सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको चिकन फ्राई करके बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी चिकन बनता है। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन फ्राई करने के लिए विद बोन या फिर बोनलेस चिकन जो भी हमें पसंद हो हम ले सकते हैं। जो बड़े पीस है उन पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि हम जो भी मसाले मिलाए वो अंदर तक अच्छे से जाए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 नींबू का रस इसको मैंने निकाल लिया है, ये 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून है, ये मैं इस पे डाल देती हूँ। हाथों से एक बार मिक्स कर लें जिससे नींबू का रस सारे पीसों में अंदर तक जाए। 1 और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, ये डाल देती हूँ। चारों तरफ फैलाते हुए डालें। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा अच्छा ही डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका चिकन में। नींबू नमक लहसुन अदरक के पेस्ट को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे पीसों में। मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, बस इतने ही मसाले मैं डालूंगी, ये फर्स्ट मैरिनेट है। इसके बाद मैं और मसाले डालकर इसको दोबारा मैरिनेट करूंगी। अब इस चिकन को मैं 15 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ, जिससे नींबू और नमक का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं कुछ और मसाले डालूंगी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है और 1/4 चम्मच मैंने रेड फूड कलर लिया है। ये सारे मसाले मैं इस चिकन में डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून ही मैंने बेसन लिया है। मैदा और बेसन डालने से जो भी मॉइस्चर है वो सारा बेसन और मैदा एब्जॉर्ब कर लेता है, कोटिंग बहुत ही अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून ही मैंने दही लिया है, दही में ज़्यादा पानी ना हो इस बात का ख्याल रखें। इन मसालों को मैं चिकन के साथ में मिक्स कर लेती हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि जो हमने दही लिया है और चिकन में जो भी मॉइस्चर है वो सारे मसाले इसी दही और जो मॉइस्चर है उसमें मिक्स हो जाएंगे। रेड फूड कलर डालने से चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। जिस तरह से मार्केट में चिकन मिलता है वैसे ही चिकन फ्राई होगा। देखिए एकदम परफेक्ट मसाले डले हैं, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं है, सारे मसाले चिकन के एक एक पीस में अच्छे से लग गए हैं। अभी चिकन को मैं ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। बाहर भी चिकन को रख सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो इस चिकन को जरूर रखें मसाला मिलाने के बाद में। देखिए चिकन अच्छी तरह से मेरीनेट हो चुका है, मेरे पास टाइम था इसलिए इसको मैंने 1.5-2 घंटे तक फ्रिज में रखे रहने दिया। अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी बहुत होता है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। चलिए अब तेल गरम कर लेते हैं। ये तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है, अब इसमें मैं ये चिकन के पीसेस डाल देती हूँ। तेल को अच्छा तेल गरम करना है, अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो जो कोटिंग है वो निकल सकती है। जितना चिकन एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालेंगे। अब 2 मिनट तक मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई होने देती हूँ, इसके बाद इनको पलटूंगी। ये 1-2 मिनट के बाद मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। इसकी कोटिंग जरा भी बाहर नहीं निकली है, सारे मसालों की कोटिंग चिकन में अच्छी तरह हुई है। चिकन को मैंने पलट लिया है। अब गैस की फ्लेम को लो और मीडियम रखते हुए इस चिकन को फ्राई करना है। इसको मैं कवर कर दूंगी और हल्का सा इसको खुला रखूंगी। 3-4 मिनट में इसको इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पर पकने देती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाने से चिकन अंदर तक अच्छी तरह पकेगा, सारे जो मसाले के जूसेस हैं वो चिकन एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार होगा। 3-4 मिनट के बाद चिकन को देख लेती हूँ। ढककर पकाने से चिकन अंदर तक अच्छी तरह पकेगा, हल्के हाथों से पलटना है। अब इसको मैं एक बार और कवर कर देती हूँ और थोड़ा सा खुला रखूंगी, 2 मिनट और पकने दूंगी लो मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद इसको देख लेंगे। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और हल्के हाथों से निकालेंगे। अभी इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको दूसरी बार भी अभी हमें फ्राई करना है। निकाल निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रखते जाना है। अब तेल को मैं दोबारा गर्म होने देती हूँ, इसमें मैं चिकन के बचे हुए पीस डाल देती हूँ। तब तक पहले वाला चिकन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। इसको भी अब मैं 2 मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरह फ्राई होने देती हूँ। डालते से ही नहीं पलटना है, नहीं तो सारी कोटिंग बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इसको पलट लेंगे। 2 मिनट के बाद इन पीसेस को मैं पलट लूँगी। सारे पीसेस मैंने पलट लिए हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दूंगी और इसको भी ढककर 2-3 मिनट पका लेती हूँ। इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। चलिए इसको मैं पलट लेती हूँ। हल्के हाथों से इनको पलट लूँगी और 2 मिनट और ढककर फ्राई करूँगी। जिस तरह से हम शादियों और पार्टियों में चिकन खाते हैं सेम वैसे ही चिकन बनेगा। एक बार और कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हाई कर दूंगी। अगर चिकन ज़्यादा है तो इसी तरह सारे चिकन को फ्राई कर लें। इसके बाद जो फर्स्ट में फ्राई किया था उस चिकन को तेज आंच में एक बार और फ्राई कर लें।
मैं चिकन को निकाल लेती हूँ और जो पहले वाला चिकन था वो ठंडा हो चुका है, उसको फ्राई करूँगी। अब उसी तेल को अच्छी तरह तेज़ गर्म करना है, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ इस तेल को गर्म कर लीजिए, इसमें से अच्छी तरह धुआं उठना चाहिए। अब इस गर्म तेल में जो पीसेज मैंने फर्स्ट में फ्राई किए थे वो डालूंगी। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, मैं ये ठंडे वाले चिकन के पीसेज डाल देती हूँ। चिकन अंदर तक अच्छी तरह पक चुका है, अब इसको बस हमें ऊपर से क्रिस्पी करना है। अब तेज़ आँच पर ही इसको मैं पलट पलट कर क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी। इस तरह दो बार फ्राई करने से फर्स्ट बार में तो चिकन अंदर तक पक जाता है और दूसरी बार में अच्छी तरह क्रिस्पी फ्राई होता है। अगर शुरू में ही हम चिकन को तेज़ आँच पर फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं। देखिए चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, एकदम क्रिस्पी चिकन हो गया है। चलिए तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के जो बचे हुए मेरे पास पीसेस हैं उनको फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना बेहतरीन चिकन फ्राई हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चिकन मैंने फ्राई कर लिया और बाकी का चिकन फ्राई हो रहा है। जब तक मैं आपको जो चिकन के पीसेस दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह फ्राई हुए हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए अंदर तक कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, एकदम जूसी और क्रिस्पी चिकन बना है। एक बार तो चिकन फ्राई को बनाना बनता है। तो इस तरह से आप भी शादियों पार्टियों वाला चिकन बड़ी आसानी से अपने घर पर फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चिकन बनता है। खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इस चिकन के साथ कोई भी चटनी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।